ये ऐतिहासिक दिन है अयोध्या के इतिहास में, इसके बारे में आपने सोचा था कभी कि आपको इस तरह से इनवाइट किया जाएगा, स्पेशली इनवाइट? प्रभु के काम से आया था, अब प्रभु ने मुझे जीवित रखा तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन राम राज्य और हिंदू, सनातन हिंदू का, हमारा हिंदू राष्ट्र का नींव पड़ेगा और ये राम मंदिर के रूप में उसकी नींव आज होने जा रही है। प्रभु ने स्वयं मुझे बुलाया है तो जरूर कुछ बहुत बड़ा होगा आगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपके जैसे जो अतिथि हैं उनको किस तरह के पासेस दिए गए हैं, एक बार जरा दिखाइए अपना एंट्री पास, दिखाएं पहले इसमें क्या, ये आपको यहाँ पर पहले आपके सिक्योरिटी चेक हुई और सब? हाँ, उसके बाद ये चालू हुआ जी। और इसमें एक QR कोड है जी, हाँ, यानी वहाँ पे वो स्कैन करेंगे आइडेंटिटी चेक करेंगे आप, हाँ, उसके बाद ही ये प्रवेश मिलेगा, उसके बाद प्रवेश मिलेगा जी, हाँ। और एक आपको इन्विटेशन लेटर है, ये भी कहा गया है कि अनिवार्य है नए राम मंदिर का प्रवेश जाने के लिए। ये इन्विटेशन लेटर है, इसके अंदर बहुत सारे ये है, ये लेटर है, दिखाए खोल के दिखा दें इसके अंदर क्या है। ये इसके अंदर एक बुकलेट है जिसमें हमारे जितने भी मनीषी हैं, प्रथम पेज में देवराहा बाबा का चित्र है, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबों का इसमें पूरा विवरण के साथ ये है, और उसके बाद एक इनविटेशन कार्ड है जिसमें प्रथम पृष्ठ में भगवान श्री राम की तस्वीर है और राम मंदिर का तस्वीर है, उसके बाद कार्यक्रम के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में, उसके बाद ये सारा विवरण है, एक कार्ड, इसके अलावा भी एक कार्ड और है इसमें, अच्छा इसमें ये देखिए ये सारा जानकारी है जी। ये तीन कार्ड मिला है जी। NDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। जय श्री राम।